देख ले गोपी, ऐसा शानदार पक्का बिल्डिंग में रखा जाएगा। अच्छा अच्छा वर्दी पहनकर नौकरी करेगा साला। पूरा 12 महीने का सरकारी नौकरी है। अरे उधर गांव में पड़े रहते तो सड़ जाते। और क्या, अब यहाँ आ गए हो तो जिंदगी सुधर जाएगा। जिंदगी आज मैं जाने का टाइम और अभी तक उठा नहीं, चलो। आज तो खाद में ना जा सकी साहिब, रात भर बहुत ताप चढ़ा है। ताप के बच्चे उठ। ना ना साहिब, रात भर इनको बहुत ताप चढ़ा रहा है, खदान में कैसे उतर सकी? तो चुप रह, काम चोर साले बाहर निकल। ना साहिब, खदान में नहीं उतर सकी। खदान में नहीं उतरेगा साला। ठहर, अभी मैं तेरा ताप उतारता हूँ। मत मारो साहिबी का, मत मारो साहिबी का। क्यों रे, बीच में आने वाला तू कौन है? ये तेरा बाप लगता है क्या? नहीं साहिब, भाई है, गांव के रिश्ते का भाई है साहिब। अच्छा, तेरी भाई बंदी यही निकल। तेरा भाई लगता है, गांव के रिश्ते का भाई लगता है। अरे तेरा भाई लगता है। सब तमाशा देखते क्या खड़े हो गए? एक बात सब लोग बराबर सुन लो, कोई भी कायदे से बेकायदा हुआ तो ऐसे ही ठीक कर दिया जाएगा, समझे? तोरा, इन सबको एक एक वर्दी पकड़ा दो, नाश्ता उस्ता करा के खदान में ले जाओ। ए, चलो भाई बनता है साला। चलो चीज है भाई, पिंजड़ा। अच्छा, वो लोहा का रस्सा खींचता है इसको, जौनी कहीं टूट जाए तो क्या होई? हुआ ना, गया महीना ऊपर से आता आता रस्सा टूट गया। ऐसा 8 आदमी खत्म। अरे बाप रे बाप, ऐसा है ये खदान का रोटी रोजी भाई। चलो रे, चलो जल्दी भरो, जल्दी भरो टैप। अरे वो उधर कैसे रुका है गोकुल? और रामदली, अरे फिर जो चल जल्दी कर, उधर मस्जिद चिड़िया वालों को भेज, गैस चेक करना है। चलो चलो बकअप, हरी अप हरी अप, आराम खो, चल जल्दी कर। इस फेस पर कोयला काटने का काम क्यों रोका गया विक्रम सिंह? सर, इस फेस को काटने के लिए मजबूत खंभों की जरूरत है, मगर यहाँ गिनती के खंभे और वो भी सड़े हुए, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इससे छत के गिरने का खतरा पैदा हो सकता है, जिससे मजदूरों की जाने जा सकती है। खंबे नहीं, आपका दिमाग सड़ा हुआ है सर। खंबे जैसे भी हैं, जितने भी हैं, उन्हीं से काम चलाओ। बार किस बार सी, इन मजदूर मलकट्टों की जान से कहीं ज्यादा कीमती है यह कोयला। कंपनी के एक जिम्मेदार ऑफिसर की हैसियत से यह बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए मिस्टर विक्रम सिंह। स्टार्ट द वर्क। तो मजदूरों की जान से ज्यादा कीमती है ये कोयला। खाना नहीं खाता क्या शंकर? अमित, अरे गोपी जल्दी हाथ चलाना। बच्चू जल्दी काट। अरे जल्दी करना मेरे बाप। ए मुंशी बाबू, गया हफ्ता हमरा कितना टब लिखे हो? 5 हमने 7 टप भरे साथ। अरे तेरा जितना मर्जी हो भरती रहे टप पे टप, हमारा जितना मर्जी होगा चढ़ाएंगे, सोच ले। हाँ हाँ सोच लूंगी। अरे लखा तनिक सुस्ता लो भैया। एक तमाशा है रे लखा का बच्चा, हैं? ससुरा जब देखो तब सुस्ताता रहता है। काम चोर बहुत साला, चल। साहब, एक दमी का रोग है ना, सांस फूल जाता है। जब ससुरा जब दमे का रोग था तो कहाँ आया खाद में मरने के लिए? ए साहेब, अरे ये रोग भी तो एक खदान ही दिया है ना। अरे साला, हमसे जवान लड़ाता है साला, जवान खिंच मालूंगा सारे सबका। काम करो सारे सब, आराम जादो काम चोर। कहरा कामू दोपहरिया में यहाँ बैठ के दिया गला रहा है रे।
अरे हरिया तेरा चंदा तो ठीक है, वो गया महीना जो आदमी का माफ कराया था ना उनको जमा कराया। अरे फिकर का है कि अरे ओ निनुआ चल अपना चंदा दे। लियो भैया चल चंदा दे रहा इधर आ के। चलो 30 रुपया बनता है और 20 रुपया देते हो। अंगूठा लगाओ यहाँ। उल्टे सीधे अंगूठा लगवाते। अरे ओ दुलारी ज्यादा खिट पिट मत करो, नहीं तो ना रुपया मिली ना अंगूठा। चलो 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 ये लो ये लो ये लो साहब आओ ये लो कारण। अरे वो लखा गुंगा भागा जाता है, पकड़ूंगा तो भागने ना पाए। साले दो महीना से यूनियन का चंदा नहीं दिया, भाग ऐसे निकाल निकाल गुंगे पैसे निकाल। मारो सारे को बदमाश को आता नहीं निकाल ना सीधे बदमाश। चंदा नहीं और यूनियन की आड़ में खदान मालिकों के साथ तरह तरह की सौदाबाजियां करने वाला वो खतरनाक अपराधी जो इन कोयला मजदूरों की जिंदगी पर मौत का साया बन के मंडराता है, उसका नाम है उग्र नारायण सिंह उर्फ नेताजी। तो मौत का साया हूं मैं। बहुत अच्छी खबर छापे हो, लेकिन जिंदगी सबको देता है वही ऊपर वाला। हाँ इतना जरूर है कि किसी किसी की जिंदगी की मियाद थोड़ा बहुत कम करने का पावर उसने उग्र नारायण सिंह को सौंप दिया है। खैर फिर भी हमारे खिलाफ खबर छापने के लिए हम तुम्हें शाबाशी देते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? मदन प्रकाश। मदन प्रकाश, एक खबर हमारी तरफ से भी छपवा दोगे अपने अखबार में? जरूर। तो लिखो, कल शाम गोपीगंज नाके के निकट एक नौजवान एक ट्रक की दुर्घटना में मारा गया। जेब से बरामद हुई डायरी से मालूम पड़ा कि उसका नाम था मदन प्रकाश। पुलिस को ट्रक और ड्राइवर की सरगर्मी से तलाश है। तो जहरीला गैस है। होशियार होशियार, पंप के पास जहरीला गैस निकलता है। जहरीला गैस, उधर कोई ना जाना, कोई ना जाना। होशियार होशियार। अरे वो भिरजुआ, अरे साला हाल इनको कहे रो कहे रे भरे रे ए साला। क्यों बे, वो पंप कैसे खड़खड़ा रहा है? बंद नहीं कर सकता था कोई? क्या बंद करके आऊं? तू जा रे साले। वहां हम नहीं जाऊंगा साहब, जहरीली गैस निकल रहा है। वो पंप जल गया तो कौन तेरा बाप देगा जवाब? अरे इसी बुआ, इस साला तो वहां भी हमसे हुज्जत करता रहा। कहा ना वहां जहरीली गैस है साहब, ईका आप भेज रहे हो, वहां जाएगा तो बेमौत मारा नहीं जाएगा। हाँ तो तू हमसे ज्यादा जानकार है, हैं? अरे इसमें जानकारी उनकर का कौन बात है साहब? वो भी मजीद ने कहा है ना कि उधर जहरीली गैस है, जो जाएगा मारा जाएगा बेमौत। एक काल का फालतू का हुज्जतबाजी करने का जरूरत नहीं हमसे। जा अपना काम कर, बहुत होशियार बनता है ना, ठहर जा। अभी हम तोहका बतावत हैं। ये देखो काम कर सिब्बू। कलैया मोरे मोरे रे अबे तेरा कारे माधो, सिब्बू बताए रहे तुम्हारी बहिना का लगन जयपुर में पक्का हो गया रे। हाँ हरिया, अगले पुनो तक उगार उगार हाथ में आ जाए तो हम रवाना हो जाऊंगा। बहुत दिनों से तू बहन की लगन के लिए परेशान था ना, चल भगवान ने तेरा सुन लिया। अरे माधो, ओ बच्चू सिंह सुना,
वहाँ दो नंबर में जो पंप है ना बहुत घर घर करता है, वो जाके जरा लपक के बंद कराओ। जाओ बच्चू सिंह, तुम भी जाओ। माधो जाओ, जाओ जाओ लपक के। अरे लपक के जाना। अरे चलो। थक गए का? तने घाम का भी खाई नहीं खिलाए थे। अरे माधो यहाँ जहरीली गैस तक पहुंचा कैसे आखिर? वो पांडे सरदार ने भेजा ही का कि पंप बंद कर गया, हमरे सामने भेजा। हरिया तू भी तो था वहां। अरे माधो कहां जा रही? जाने दे, हमको जाने दे। अरे पागल हो गई है, मर जाएगी। अरे मर जाएगी। अरे तुहार दिमाग खराब हो गया है का? हट, पगला गई है का? मरना वहां जाके। हमका का मार दो भैया। अरे उसको मार जो जो इसका जान ले लिया। हाँ चलो मनीषा सबके पास, चलो चलो सब। एक अजी बात सुन, किधर जाते तू? दादा हम वो पांडे का नाम खोलूंगी, वो हमरे सामने माधो को भेजा था वहाँ। अरे तू उनका नाम खोल देगी तो हमारा नामो निशान मिटा देंगे। हम कहता हूँ सबसे का फायदा, तुहरे बोले से माधो जिंदा हो जाएगा। तो का देखते रहे चुपचाप। अरे तो ये कौन तरीका है कि चले सीधे मैनेजर के पास? भूल चाली के वास्ते हमारी यूनियन है ना कजरी, इक्का दुक्का आवाज के दम पे ये लड़ाई नहीं खत्म हो सकत। एक बात पे तो हम यूनियन में लड़ जाऊंगा। अगर लड़ाई लड़े की हिम्मत हो तो इसी वक्त चल हमरे संग। ए कजरी तिरजू, तिरजू ऊका ही तड़कपन अच्छा नहीं भाई, अच्छा नहीं। साला गवाही देगा एक लफ्ज में मुंह से निकला ना साला, तौन ई जबान काट के धर दे। ई बात के वास्ते इतना भीड़ भाड़ लाने का कौन जरूरत था? एका एका मर्द बेमौत मारा गया साहब। ई पांडे सरदार का मर्द माधु को जानबूझ के जबरदस्ती जहरीली गैस में भेज दिए। किसके सामने भेजे? नाम लो। सुना सुना बात नहीं बोलेगा कोई, समझे? अरे वो खुद गया होगा उधर, होश ठिकाने कब होता है तुम लोगों का? अरे तो लापरवाही करते हो, उल्टा शिकायत करते हो और काम छोड़कर यहां आने का हिम्मत कैसे हुआ तुम लोगों का? वर्मा बाबू जी, एक एक दिन का हाजिरी काटो इन सब का। नहीं मैनेजर साहब, इन सब का माफ कर दियो, ये बहुत जुल्म हो जाएगा साहब। भाई तू तो यूनियन का आदमी है ना आर्या, तो फिर झंझटबाजी यहां कैसे खड़ा हुआ? कौन भड़काया इन सबको? नहीं सरकार, कौन भड़काया और कहा नहीं सरकार, ये सब गलत है सरकार, ये सब घबराए के आ गया। मुद्दा आइंदा कौन शिकायत नहीं होगा सरकार, हम सबका जुम्मा लेता हूँ सरकार, ये वक्त माफ कर। नहीं पैसा कटेगा तभी दिमाग ठिकाने आएगा सालों का। हाँ हाँ काट ले, हमरा पैसा भी काट ले, इका भी काट ले, हाँ काट ले काट ले काट ले। अरे माधव, अरे माधव तो कहाँ चला गया? अपना मजूरी तो लेके चल माधव, अपना मजूरी तो लेके चल माधव। अरे का तुम सब भी मुर्दा हो गए? वहाँ कहे कि पांडे भेजा रहा माधु को हम सबका सामने, यहाँ कोनो को बोलेगा कोई हिम्मत नहीं है? झूठ मूठ का तो मत लगाता है। हम झूठा, ये माधो का मौत झूठा, अरे तो सच्चा कौन बात है बोलो? मलकट्टों को भड़काता है बदमाश। मारो, हाँ हाँ मारो,
जितना जी चाहे मारो। अरे तुम्हारा नजीक मलकट्टा लोग इंसान नहीं होता ना, मारो। चुप चुप नहीं रहूंगा हम। आराम जादे शिकायत करता है मेरी तो हमत लगाता है पांडे के ऊपर। अरे पहलवानों देखते क्या हो, मारो साले को, मारो। लीडर बनता है साला हराम खोर, मारो साले को। हुज्जत करेगा साला। तूने तगड़ी चाको, तू कौड़ी का मलकट्टा सा, तो हमसे मुंह लड़ाता है। आओ हड्डी पसली तोड़ डालो। ये कर पड़ेगा साला। घसीट के बाहर फेंक दो। ले जाओ साले को, नेता बनता है साला। कालका, कालका उठ मेरे भाई। माधो कालका उठ। हम चुप नहीं रहूंगा, हम चुप नहीं रहूंगा। माधो को मारा, बेमौत मारा माधो को। कालका हमको मारा। कालका हम चुप नहीं रहूंगा। कालका हम चुप नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुन कालका। हम चुप नहीं रहूंगा। तू आवाज उठाना चाहता है ना? हाँ। लेकिन आवाज उठाने वाले को तो चुप भी रहना पड़ता है। बहुत चुप है, बहुत चुप कालका, बहुत सबर करना पड़ता है, बहुत सबर। इस कोयले के जंगल में बरसों से इंतजार करता था एक चिंगारी का, वो आज मिल गया, आज मिल गया। हम मां कसम खाकर कहता हूं सरकार, वो पांडे जी हमारे सामने माधो को हुआ भेजे। तू ये बात कहता है ना, मैनेजर साहब कहे कि माधव खुदे घुस के मर मर आ गया। अरे अब कंपनी इतना बड़ा मैनेजर का बात मानेगा कि ससुर तुझ मलकट्टा का? हम तो यूनियन का वफादार हूं सरकार, मुद्दा हमारी बात। गैर जिम्मेदारी का एक बात नहीं सुनूंगा हम। मालूम है हम मैनेजर को तोहरा नाम लिखा दिया हूं कि साहिब ये हरिया तो हमारे यूनियन का खासम खास आदमी है, इका मानिंग सरदार बना दे, और तू ऐसा बात करता है। देखो जो यहाँ कायदा में रहता है वही फायदा में रहता है। अरे उठ उठ, हम बना देते हैं। अरे नहीं, ये तो हमारा रोज का काम है। मालूम है तुहार काम है, वैद्य जी ने कहा है आराम करने को। चलो उठ उठो। वैद्य जी ने दवाई दी है। तू हमसे बहुत नाराज है ना? धोखा दिया हम, कितना मार खाया हमारे कारण। हम किसी से नाराज नहीं है, हम तो हर मजबूरी समझता है कुछ नहीं, हम सबका मजबूरी समझता है। ये ले। तुम बना दिया कजरी, काल कौन बनाया करे? हम रोज अपने हाथ से खाना बना के खिलाओ तो का, मगर तू कह तो दे। कजरी, ओ कजरी, क्या तुम्हारे घर पे फिकर करता होगा ना? चारे कालका, हाँ
का पागलपन कर बैठा रहे तू? तो का हम सच्चा बात नहीं किया? ऐसा मार खाया ना आखिर, लेकिन अपना धर्म तो निभाया ना भाई। ये पापी लोगन का बीच में तू धर्म की बात करता है? अरे हम कहा है इन लोगन के आगे? इतनी बड़ी ताकत है इनका पास, सच्चाई की बात बोले भी तो दूर दूर तलक है कौन सुनने वाला? कोई नहीं, बाप दादा के जमाने से ही होता चला आया है और ही होता रहेगा। जिंदा रहना है तो कम खा के जीना सीख। कब तलक? एक न एक दिन तो फैसला करना पड़ेगा हरिया, तू नहीं करेगा, हम नहीं करूंगा, तो कोई और करेगा। इंसान हमेशा मर मर के जिंदा नहीं रह सकता है भाई, तू जिंदा नहीं रह सकता है। कल का एक काल का सुन, हम तो यही कहे को आए हैं कि तू अपने आप को अकेला नहीं समझ। हम ये चार तो हमेशा तोरे साथ है कालका। हाँ कालका, देख एक आदमी के साथ चार आदमी इकट्ठा हो गया। अरे तो कल चार के चालीस भी हो सकत हैं, तू विश्वास रख कालका। चलो वो मैनेजर बाबू से काहे फालतू का तकरार कर लिया तू? हाँ वो कर लीजिए, देख लिया फिर मतलब का बात कर भाई, मतलब का बात कर। अरे हमरे मतलब का बात भी कभी सुना होता ना तो तू इसी खदान में आज शान के साथ ओवरमैन होता। वो पांडे सरी का मैनिंग सरदार तेरे आगे पीछे घूमता साला। लेकिन नहीं तो का सच्चाई का बात सुझाए ना। अरे तोरी हालत देखा तो हमका शरम आता है, शरम। हमरा भाई, अरे हमरा भाई हो के 20 बरस से है वही तुई गड़ी का मलखट्टा हो के बहुत खुश है ना। अरे हमका देख कालका, हमका पोजीशन बनाया हूं, पोजीशन। यूनियन का चंदा से लेकर दारू और कोयला का धंधा तलक हजारों रुपये रंगदारी वसूली करके देता हूं उनका हाथ में। अरे विश्वास जमाया हूं हम कालका। ये देख तमंचा हमको सौंपे, तमंचा, और तमंचा ऐसे वैसे फरतूस को नहीं ले जाता। कालका ये देख घड़ी, घड़ी। कालका ये देख, कालका ये देख ललून, ललून, ललून का है। शान से रहता हूं, इज्जत से रहता हूं। अरे हम तो 100 बात की एक बात जानता हूं, ई कोल फील में इज्जत से रहना हो हुज्जत नहीं करो। मतलब? अरे चुप रहो, खत्म। अरे चुप रहो तो भी खत्म, चुप नहीं रहो तो भी खत्म, फिर चुप रहेगा का मतलब है बोल। देख कालका, तू आवाज उठाएगा तो वो तुका छोड़ेगा नहीं और तोरे कारण हम ही मारा जाऊंगा। हमका उस बात से कोई मतलब नहीं। साला मतलब नहीं? अरे मतलब कैसे नहीं, तोरे कारण हमारा पोजीशन खतरे में आया तो समझ ले हम तो नहीं छोड़ूंगा, आइंदा कोई शिकायत का मौका नहीं देना। मतलब अरे ये चुप चुप उठ के हमको रोटी वोटी दे। अरे उधर खदान में जाएगा टेम हो गया और तू अभी चूल्हा तलक नहीं जलाई। चूल्हा जला के क्या पकाई हम, पत्थर धरा है तू राशन लेके। अरे तो तू क्या करती रहती है मेरे घर में बैठी बैठी? महीना भर से हम खदान में नहीं गए तो ये ताना सुनाई रहा तू हमका, फिर काहे तुमरे पेट में बच्चा डाल दिया? अभी कहा पाले कि खदान में जाके भरे तेरे कुनबा का पेट। चुप बच जाना, छोड़ ये झगड़ा, खाद में चल। ठीक है, आज भूखे पेट जाएगा है खदान में तो यही सही। और मांग लो पेट का है। रुपया लाई, निकाल निकाल तो जा। ई बखत और दया कर दे सेठ, सुबह का पाली मां भी मरद का खाली पेट भेज दिए, ई टाइम भी खाली हाथ गए तो बेकार झगड़ा टंटा होई घर में।
अरे तो सेवक राम के पास का सोच के चली आई, बिना पैसे के प्यार करूंगा क्या, है का समझ रखा है। जब देखो टांग झांक, जब देखो सर पर चढ़ी रहती है, ए बदमिया जाके उठेला पर से सामान उतार और भीतर जाके काम कर। चल मंगलो एक सामान दे दे। सेठ हमका एक सिर चावल और थोड़ा सा आटा गुड़ दे देना सेठ। बड़ी सज सज के आई है तैयारी से। इधर आवा। हमको सब अच्छा नहीं लगे। चावल चाहिए ना? चाहिए। तो फिर चल चावल देता हूं। चल सेठ तो मौज मजा करे और सेठानी चौकीदारी करे। काय रे झगड़ा काय नहीं करी? हम बोले तो हमको मारत है। 3 रुपया और दे देना उठा। आज मांस पकाई लग सच्ची, कितना दिन से ना ही खिलाए अपना भारत को। अरे बहू तू मांस दे हमका। का मांस मिलेगा उका जो गलाई रहा खदान मा मांस। का है अपने कमाई से लाई है का? हाँ मांस तई के लिया है मांस। बुढ़वा हाथ पे हाथ धर के बैठा है, ऊपर से चाहिए मांस। यही दिन देखे के लाए रहे तू के यहाँ बहुरिया बना के ना? बहुरिया के गुलाम बाप के हाथ लाई के झोंक दिया खदान मा। सारा उम्र कोयला हो गया, कमा कमा के भरा तोरा कुनबा का पेट, ऊपर से हम खाई मरद का घुसा लात। बहुरिया अरे ये हमका गुस्सा नहीं दिलाओ। हाँ हमरे धावड़ा में रह के हमका ही आंख दिखाती है साली, सबको निकाल बाहर करूंगा। अरे हाँ हाँ तो हम ही चल जाई, कौन बड़ा सुख होगा इस सांप के बिल में रह के। हैं सांप का बिल है इतना बड़ा धावड़ा? वह रे धावड़ा, एक कोना में तोरा बेटा पैदा करता रहा औलाद और दूसरा कोना में तू पड़ा पड़ा खांसता रहा सामने। अरे कौन किसका जांग नहीं देखा यहाँ। अरे हम कहता हूँ तू औरत है। अरे कोयला का खदान में जाके कौन औरत औरत रहा और कौन मरद मरद। ले उठा चबा बैठ। बहुत बुखार है, बीमारी का पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। 2 दिन बुखार उतरे हैं, 3रे दिन फिर जकड़ लेते हैं, का करें? डॉक्टर साहब कहे यहाँ ठीक नहीं होगा, शहर जाकर इलाज कराओ। शहर के इलाज करे खातिर तो पैसा चाहिए गोरे, सारा कमाई तो बाप दादा के कर्जा उतारने में खत्म हो जाता है। ये आधा आधा पेट रह के कई दिन काटा जाएगा गौरी। डॉक्टर साहब जो दवाई लिखा है वो ले आओ ना। 4 रुपया बचा है, बता दवाई लाओ कि राशन? दवाई अपना भूख सह सकते हैं हम, लेकिन हमसे बिटुआ कहीं दशा नहीं सहा जाता। चुप्पो, ताला उधारी लेने को हमारे दरवाजे पे आता है और वसूली करने को तेरे दरवाजे पे आना पड़ता है। निकाल पैसे। पैसा पैसा है कहां जो तुम्हें? अरे ये क्या है पैसा? ये हमारा बिटवा का दवाई का पैसा है, बच्चे की दवाई का पैसा। हम कहते हैं बाकी का निकाल। ये बगत हमसे पैसा नहीं लो सेठ साहब, हमारा बच्चा बहुत बीमार है। तेरे कहे पे हम छोड़ देते हैं। देख सिब्बू, पगार में न तो तुझसे कर्जा पटने वाला है न ब्याज। तू ऐसा कर, अपनी घरवाली को हमारी दुकान पर बिना फटके के लिए भेज दिया कर। अरे कमाई भी हो जाएगी, कर्जा जाएगा और बच्चे का इलाज भी हो जाएगा। अरे दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी जो है वो है गरीबी। भेज देना कल से। हाँ नहीं वो काम नहीं करेगी। अच्छा अगली पगार पर पहलवान के हाथ से 16 रुपए भेज देना। अरे ओ कनखजूरे,
कमली को पैसा नहीं दिया तो इसकी। ठीक बात तो कहे हैं सेठ जी, हम उनकी दुकान में काम करूंगी तो कर्जे का बोझ तनिक हल्का तो हो जाएगा। गौरी, हम हमार जीते जी अपना घर का इज्जत तू कमीना के चौखट पर नहीं जाने दूंगा, समझा? तू जाकर दवा तो ले आ। सेठ साहब, आप तो शास्त्रीय संगीत के बड़े शौकीन दिखाई देते हैं। शौकीन ही नहीं साहब, खुद बहुत अच्छा गाते हैं हमारे सेठ साहब। ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ना, इन्हीं की तो है। भाई अब तो तुम्हारी तारीफ करनी ही पड़ेगी, तबला इन्हीं ने बजाया है। हमारे डॉक्टर पाई बहुत उच्च कोटि के तबलिया हैं। इसी क्वालिफिकेशन पर तो नौकरी दी है सेठ साहब ने। मिस्टर चौबे, अब आपका क्या प्रोग्राम है? बस वैसे ही, आपकी माइंड में जाके देखना है लेबर्स की सेफ्टी वगैरह के इंतजाम, टिम्बरिंग, वेंटिलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सरकारी जांच है तो जरा शाही अंदाज से करवाइए ना मिस्टर चौबे। वैसे आपकी तरफ से हमने रिपोर्ट तैयार करवा दी है, बस आपके दस्तखत की जरूरत है। व्हाट? आपसे पहले भी जो ऑफिसर आए खदानों को देखे बगैर ही हमारे फेवर में इतनी रिपोर्ट लिख के गए, और ये लीजिए हमारी तरफ से एक दोस्ताना तोहफा। अब चलिए मजदूरों का कल्चरल प्रोग्राम देखिए। यू आर रियली अ कल्चर्ड मैन मिस्टर शाह। ओ निहाल भाई, ओ शेखर, तैयार नहीं हुए तुम लोग? हाँ हाँ आते हैं। अरे जल्दी करो भाई, ऑफिसर साहब कब से आ चुके हैं, त्योहार नाच का इंतजार हो रहा है। ए बाली उमरिया जो बनो भारी, गली गली मासो लाज पे जोखम बढ़ गयो रामा, घर मा कूदे चोर है दरोगा जिस कहियो, दरोगा जिस कहियो सिपहिया कर तोहरी, दरोगा जिस कहियो सिपहिया कर चोरी, चोरी चोरी आवे करे सिना चोरी, चोरी चोरी आवे करे सिना चोरी, दरोगा जिस कहियो सिपहिया करे चोरी, दरोगा जिस कहियो। पकड़े भैया मोरे हाय, पकड़े भैया मोरे, दरोगा जिसे कहियो सिपहिया करे चोरी, दरोगा जिसे कहियो सिपहिया करे चोरी, चोरी चोरी आवे करे सिना चोरी, चोरी चोरी आवे करे सिना चोरी, दरोगा जिसे कहियो सिपहिया करे चोरी, दरोगा जिसे भैया करे चोरी।
अरे कौन है रे? शिबुआ? अरे शिबुआ, तू हम सबका पहले ही खाद में आ गया का? अरे अरे हम तो ही खाद से बाहर गया ही नहीं। काहे रे? जाऊंगा भी नहीं। अरे पर काहे? हम तीसरा पाली भी काम करूंगा, चौथा पाली भी करूंगा, हम तो। अरे ये कौन पागलपन है? चलो उठ, घर चल। अरे इका तो ताप चढ़ा है। अरे वो काल का, अरे इका तो ताप चढ़े का है रे, देख कैसा बदन जलता है। अरे जिसका पेट में आग जलता हो उसका बदन कहे नहीं जलेगा हरिया। हाँ लेकिन सुन तो सही भाई, चल तू भाई तू उठ तू घर। अरे हरिया, अरे ससुरा तू ही यहाँ क्या करता है रे? जा हुआ पांच नंबर फेस पर काम कर जा। अरे ई ऊ का चल जा। अरे शिबू तू वहां दो नंबर पर जाके सगुर का मदद कर रहे, खाली इसका लाइन बढ़ाओ, हमको नया फेस चालू करने का, जाओ। अच्छा साहेब चलो। ठीक है हाँ ठोको। साहब हम कहा था ना आपसे, चलो टूट गया रे। अरे उस शकूर को देखो चक्की हुआ कालका। कालका सिब्बू को संभाल, मदद करो भैया। मेरा बबुआ। अरे उठाओ लोगन, मदद करो, जोर लगाओ। भैया चकुर भैया, कैसे रंग दिखाए कर रतिया, हम कहीं हमसे हम कहीं हमसे हम कहीं हमसे चुराए कर रतिया, कैसे कैसे रंग दिखाए कर रतिया, कैसे कैसे रंग। डॉक्टर बाबू कहाँ है? यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं तो कहाँ है डॉक्टर बाबू? सेठ साहब की कोठी पे है। माया की नगरिया में सोने की बजरिया, नाच नाच हरी रामा
जावे कारी रतिया कैसे कैसे रंग दिखावे कारी रतिया कैसे कैसे रंग। गुस्ताखी माफ हुजूर, बाहर बहुत सारे मजदूर आए हैं और वो अपने साथ एक जख्मी को भी लाए हैं। यहां क्यों आए हो? आसमान फट गया था क्या? अस्पताल कहे के लिए है? क्या हो गया ऐसे? ये यहां क्यों लाए हो? ये मुर्दा लाए तो हम जिंदा रहे साहब, मगर ये तुम्हारा इंतजार नहीं किया। ले जाओ इसे, उठाओ ले जाओ। सुना नहीं तुमने? बहरे हो गए हो क्या? ये मुर्दा है, मुर्दा मर चुका है। उठाओ इसे, इस मुर्दे को ले जाओ, ले जाओ यहां से। जहां दिन आई है पिया के संदेशवा, उड़ जाए हैं सुगना छूट जाए हैं देशवा। जह दिन कैसे रंग सगम भगम सदरी सकाल कैसे कैसे रंग मदारी धनी दमारे गम भगमारे सनी सदा सनी सदा सनी सदरी सका धरी सकाल धरी सका कैसे कैसे रंग कारी रतिया हम कही हमसे हम कही हमसे चुराए कारी रतिया कैसे कैसे रंग कैसे कैसे रंग कैसे कैसे रंग। किसका चिता में आग लगा है तुमका मालूम है? तुम्हारा बाप था सीबू मलकट्टा, कोयला का चट्टान काटता था। एक दिन तू भी अपने बाप के जैसा मलकट्टा बनेगा, कोयला काटते काटते कोयला जैसा हो जाएगा। अरे हम पूछता हूं, का यही है मलकट्टा का जिंदगी? यही है काम अलकट्टा का जिंदगी? उनका तिजोरी भरने के खातिर कोयला काटते रहे, कोयला बन बन के कोयला के जैसा जलता रहे। कल कल फिर कोनो सुहागन औरत विधवा बनेगा, कल फिर किसी बहन का घर संसार उजड़ जाएगा, कल फिर कोनो बच्चा अनाथ हो जाएगा, ऐसा ऐसा अनाथ हो जाएगा। अरे अरे हम पूछता हूं, कब तलक हमारे जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ होता रहेगा? कब तलक हम लोग डर डर के जीता रहेगा बोलो? कब तलक हम लोग बेमौत मरता रहेगा? फैसला कर लो तुम सब फैसला कर लो। अरे अब तो कर लो फैसला, कर लो। नहीं नहीं फिर कोई बात नहीं। हाँ ले भाई, तू कहता है के हरजाना दिलाओ, और वो मैनेजर कहता है कि शकूर और सिब्बू दोनों ही का नाम शुरू से पक्का रजिस्टर से गायब है। अब बोलो इसमें करण सिंह का करी है? ई कैसे हो सकत है साहेब? कायदा से तो कौन भी कच्चा मजूर 8 महीना खाद में काम करे वो पक्का हो जाता है ना? और फिर सरकार सिबुआ और शकूर तो 8 बरस हमारे संग खाद में काम करते रहे। क्या होना चाहिए
क्या नहीं होना चाहिए, ये बहसबाजी तुम्हारा काम नहीं। सर, हम यहाँ काहे को बैठा हूँ? तो उन कारण तो हम आपसे अर्ज कर रहे हैं माई बाप। वो सकुरा की बहनी है और ये सिबुआ की औरत, एक मासूम बच्चा भी है सरकार। दोनों के आगे पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, थोड़ी बहुत मदद हो जाए तो उन्हीं की भाभी हो जाएगी सरकार। तू तो खदान में काम करती है ना, पर ये नहीं करती है? ठीक है, हरिया तू कहता है तो हम अपनी तरफ से इनका कुछ मदद का इंतजाम करूंगा। जाओ। जग जग जी हो। चल, हाँ बोलो। चल, चिंता की कोई बात नहीं, क्या तकलीफ है तुम लोगों को? अरे संयम मोरा मांगे जो बनुआ। क्यों सेवक राम? आवा मालिक, आवा आवा। मजा में तो है ना। घड़ी धन भाग, मालिक हमारे घर पधारे। बदामिया, जाके पलंग तोड़ बादाम का शरबत बना के ला, जल्दी जा। बोलो मालिक। ये रहा आपका रंगदारी टैक्स, और अब क्या हुक्म है? अरे भीमा मालिक। पाई लागू मालिक। बदमाश साला, अब यहाँ नौकरी पे लग गया क्या? नौकरी का मालिक, छुट्टा मुट्टा मजूरी पे गुजारा हो रही है। आपका दया हो जाए मालिक तो कोनो नौकरी वोकरी कर दो मालिक, ई का भी उद्धार कर दो, बहुत मुसीबत मालिक। ई का सिफारिश पे काम दिलवा देता हूँ बेटा। बहुत मेहरबानी साहब। वो कहा है एक मलकट्टा मारा गया है, हैं? तो कंपनी से तोहरे नाम पे कार्ड निकलवा देता हूँ। वो का एक बच्चा है, एक औरत है, बोल कौन नाम से कार्ड निकलवाए दूं? साला भाई बनेगा कि देवर? ई तो साहेब औरत देख के ही बता सकी है साहेब। बहुत ही बदमाश है साला है। साहेब वैसे औरत कौन का है? कौनो सिब्बू था। कहा कही सिब्बू था? तब तो तू देवर बन जा। ले एक रुपया बख्शीश हमार तरफ से। जय हो मालिक। जा आइस कर। अरे तो क्या सीधा ही जा धमकेगा उसके घर पे? जाके हरिया से बोल के हम तो का सौंपा है जिम्मेदारी सिब्बू के बाल बच्चे का। वो मुलाकात करा दी तो हार भ जाई से। अच्छा तो सेवक राम हवा भी जा। अच्छा राम राम साहब। और का बताएं कालका, वो चंडीनाथ और करम सिंह दोनों ने बहुत जुल्म की है इस गांव के छिपा मुंडा पे। वो दिन हम सब लोग अपना खेत तैयार कर रहे थे कि चंडीदास, करम सिंह और उनका सब गुंडा लोग साला जंगली आदमी, तुमको मालूम नहीं कि ये जमीन पे कंपनी कोयला का खदान चालू करेगी और तुम फिर भी खेती बाड़ी किए चले जा रहे हो? चलो हटो यहां से। साहब साहब ये जुलम ना करो साहब, हम लोग कहां जाए हैं? जाओ जाके मरो कहीं साले, ये जमीन तुम्हारे बाप की नहीं है। अरे तो कौन के बाप का होता है साहब? साहब जमीन तो वही का होता है जौन पत्थर तोड़ तोड़ कर आबाद करत है। ये देखो ये देखो ये देखो साहेब, हमारा बाप दादा अपना शरीर गला गला के ये पत्थर का जमीन में ये फसल उगाई है, और तुम कहते ये का छोड़ दो? अरे साहेब हम कई ये जमीन तो हमारा माई है, हमारा माई है साहेब। अरे अपना ही माई को छोड़ दे चुपचाप, वरना तुहार ऊ माई को भी नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ और माई का गाली देता है, गाली देता हरामखोर। अमजदे हाथ उठाया तो ये गोली सीने में दाग दूंगा। भैया दलको दलको मेरे भाई, नहीं मेरा मुल्ला, नहीं नहीं। मछली की तरह लोट पोट हो गया हमरा मुन्ना, हमरा भाई हमरे हाथों में लाश बन गया, और अब
कुछ नहीं कर सका कालका भैया, हम कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका, हम कुछ नहीं कर सका। ये सिर्फ अकेला तेरा दोस्त नहीं है छिपा, उन सब का है जिनके हाथ में कुल्हाड़ी और ये फरसा था और सामने ननकू का छेदा हुआ लाश। अरे जब तलक वो सब ना ही बोल उठता ना, तब तलक फरसा तो छोड़, आवाज भी उठाएगा तो चिंटा का मौत मारा जाएगा, समझा? अरे ये सब हम देख लिया है, माधु का मौत मां। आखिर ये जुलूम कब तक चलता रहेगा? जब तलक हम सब चुपचाप सहता रहेगा। देख छिपा, ये खेत से लेकर खदान तक हम सबका दुश्मन एक है, हमार लड़ाई एक है। मगर भैया कहां वो लोग, उनका तमंचा, उनका बंदूक, और कहां हम लोग? अरे हमरे पास हमार दुख है, वही हमार ताकत है छिपा। वो लोग अपना तमंचा और बंदूक के बल पे नहीं, हमार डर और भय के ऊपर जीता है। चौन दिन हम लोगों ने अपना डर को जीत लिया, समझ ले वो हार गया। भैया तुम ठीक कहा था, हम तैयार हैं, हम सब लोग तैयार हैं। तो बस ठीक है छिपा, एक एक किसान, एक एक वनवासी, एक एक मजदूर को तैयार करो। लेकिन कैसा तैयारी? ये सुन रहे हो, ऐसा तैयारी जैसा झिंगुर का आवाज। सन्नाटे को चीर डालता छिपा, मगर दिखाई नहीं देता। ले भौजी, ई राशन लाया हूं, झटपट तैयार कर दे साला, बहुत भूख लगा। हा हमको अपना ही आदमी समझ। अरे तुहार देवर बना हूं कि नहीं? हा आपका देवर कमाएगा, भौजी पकाएगा और सब मिलके खाएगा और रहेगा साला इसी धावड़ा में। हा तू हमरा धावड़ा में कैसे रह सकत है? तो का हम पे भरोसा नहीं? का भरोसे का कौन बात है? ओ तो तू समझी कि लोगन को शक सुबह हो जाए? अरे अपने देवर के साथ रहने में शक सुबह हुई कि ना रहने में? अगर कंपनियां को पता चल जाए कि हम तुहार देवर नहीं, तो तुमरा बना बनाया कार्ड कैंसिल हो जाए। कालका? क्या बात है कजरी? दादा हमारी शादी हरिया से पक्का करना चाहते हैं। अच्छा, ये तो खुशी का बात है। तू खुश है? बोल। ए कजरी, हमका गलत नहीं समझना, मगर हम जौन रास्ता पे चल पड़ा हूं ना, वो रास्ता पे चलने वाला अपना घर गृहस्थी सब फूंक देवे को तैयार रहता है। फिर हम कैसे बसा लूं अपना घर? तू हरिया के साथ गृहस्थी बसा ले, वो अच्छा आदमी है रे, तू खुश तो रहेगी। ये बारातिया चले आए इस बारे।
ई देखो पगार हुआ नहीं साला के चील को हुआ हाजिर। हाँ भैया अपने जान जोखिम की कमाई का पैसा ऐसा लूटा जाता है कि क्या करें। तुम्हारे हाथ में तो बचा खुचा कुछ ना कुछ रही जाता है रुपया, हम लोगों का नसीब में तू भी ना है। हमरी एक बात का जवाब दो रे, हम जान हथेली पर रखकर कमाता हूं ना, पर जान हथेली पर रखकर बचा कह नहीं सकता है हम लोग। बोलो कालका, निर्बल आदमी का कर सकत है, कहां वो लोग उनका ताकत, हम निर्बल बेहथियार। अरे बचुआ जब आदमी में बन आता है ना तो ये नाखून है ना, नाखून ये भी खंजर का काम करता है। अरे लड़ाई कैसा भी हो हथियार से नहीं हिम्मत से लड़ा जाता है, हिम्मत से, और हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं। साहब नहीं चलो खर्चे जमा करो साहब। बच्चू सिंह खर्ची खर्ची खर्च हो गई साहब। खर्च हो गई, हमसे धोखा करता है हरामजादे, तुम्हारी ये हिम्मत, हमारा हाथ पकड़ा तूने बच्चू, बच्चू हमारा हाथ छोड़, बच्चू हाथ छोड़, सूरा क्या देखता है राम खोर। जा चलो शीले साले की मासी और हमसे हट बच्चू हट। देखो साला खचड़ा को। सूरा धोखा करता है हमारे साथ बेईमान, ताकि जाए मारो तो ले मारो, तुम सब लोग मिलकर लूटा तो हमको, जब गरीब का मजूरी छीना तो तुम नहीं जीत सकत, हम नहीं देखते, धोखा देकर गांव से लाया है, तुम्हारे लिए कमाते हैं पैसे, हम नहीं देंगे पैसा। अब तब हाथ पांव बांध के साले को गोदाम में फेंक दो। शंकर माँ से कहना तोहरा बच्चू बहुत मजामा है, बहुत चिंता फिक्र ना करे, और सुन हमरी घरवाली से कहना तोहरा विदेशिया बहुत याद करत है। वापस जा रहे हैं साहब, कोनो भूल चूक हुआ हो तो क्षमा करना साहब। ठीक है ठीक है, ये हमारा 12 महीने का पगार हमारे घर में मिल जाए ना साहब। मिल जाएगा, चलो आगे चलो। Thank you.
हमारी रे विदेशिया। बताएं कैसे बताएं आफतिया माँ जान रे विदेशिया। हाँ सर, थोड़ी देर हो गई, क्या करता, 10 लोगों से नजरें बचाकर ऑफिस से रिकॉर्ड निकाला, नोट्स लिए और ये डिटेल्स। अच्छा, तो पिछले महीने 150 ट्रक खंबे खरीदे गए थे, लेकिन इसमें से मैंने तो 50 ट्रक माल रिजेक्ट कर दिया था। हाँ सर, वो सड़े सड़ाए खंबे मैनेजर साहब ने पास करवा लिए। ठीक है शुक्ला बाबू,
इस कंपनी के मालिक और मैनेजर की एक एक गैर कानूनी हरकत और भ्रष्टाचार का भांडा मैं दूंगा। ये साले हैं बहुत खतरनाक। एक और आ गए मिस्टर भरत कुमार, एजेंट बनाकर लाद दिया गया हम सबके ऊपर। सेठ साहब के साले हैं और यूरोप की खदानें घूम कर आए, बस हो गए क्वालिफाइड। ये कोल माइन देखते ही मुझे मालूम पड़ गया कि जीजा जी ने मुझे यूरोप से यहाँ क्यों बुलाया। कितना बढ़िया, कितना कीमती है ये कोयला, चमकता है, काला हीरा, ब्लैक डायमंड। इन अंधेरों में छोड़ रखा है आपने, जहां से मर्जी हुआ काट लिया, जितना मर्जी हुआ बिना काटे छोड़ दिया, जबकि ये ए ग्रेड कोयले का सक्शन है। इसकी मार्केट में मांग कीमत है, लेकिन आप लोगों ने उसे एक्सप्लोर नहीं किया। यू पीपल हैव नॉट एक्सप्लॉइटेड इट, यू हैव डिस्ट्रॉयड इट। रमेश, खैर अब मैं आ गया हूं, मैं खुद कंट्रोल करूंगा, एंड यू विल सी कि कोयले का प्रोडक्शन कहां से कहां पहुंचता है। बट रिमेंबर, आई एम ए वेरी हार्ड टास्क मास्टर, कस के काम लूंगा, समझे? व्हाई नॉट सर, आप जैसा हुक्म दोगे वैसा ही काम होगा, बिकॉज वर्क इज बर्सिंग। यस, दैट मस्ट बी द स्पिरिट। कम से कम लागत में, कम से कम समय में, ज्यादा से ज्यादा काम होना चाहिए यहां। ओके सर। यस साहेब, साहेब, तो साहेब वो 5 नंबर में काम रोक दिया साहेब। व्हाट, क्यों साहेब? वो 5 नंबर सीन में छत गिरने का खतरा है साहेब, संभल कर टलो, काम रोक दिया। लेबर यहां अपनी मर्जी से काम शुरू करता है और अपनी मर्जी से काम रोक देता है, नो डिसिप्लिन। कमान मैं खुद चलकर देखता हूं और उन काम चोर लोगों को मैं खुद ठीक करता हूं, एंड आई विल शो यू व्हाट इज डिसिप्लिन। चलो भाई साहब, चलो। अरे रातों दिन ही खाद में काम कर रहे थे साहब, हम बोल रहे हैं वो खाद में खतरा है, जान जोखन में डाल के मलकट्टा काम करे, छत की हालत देखो सर। शट अप इडियट, सरकार हम ईंट की नाई खूंटा की बात कर रहे हैं। शट अप यू स्टूपिड, किसके कहने से तुम लोगों ने काम रोका है? साहब जी, ये हमरे कहने से काम रुका है, ये देखो ना छत का हालत देखो, कौन वक्त सारा चट्टान हम सबके ऊपर गिर सकता है, देखो क्या बकता है। वेट, लेट, यहां से वहां तक टिम्बरिंग है, इतने मजबूत खंबे लगे हुए हैं, फिर तुम, क्या नाम है तेरा? कालका। कालका, फिर तू कैसे कह सकता है कि ये छत गिर जाएगा? आप इसको मजबूत टिम्बरिंग कहते हो? ये देखो सड़ा, दीमक खाया, फफूंद लगा हुआ खंभा। और साहब जी ये देखो, ये देखो, देख, ये देखो, आप इसको मजबूत टिम्बरिंग कहते हो? अरे साहब, ये खंभा के सहारे हम लोगों के सर पे छत नहीं, मौत झूलता है, मौत झूलता है, मौत। कैसे काम होगा बोलो? काम होगा और इसी वक्त होगा, और तुम सब लोग काम करोगे, वरना एक एक को निकाल बाहर करूंगा। पांडे, डायनामाइट लगवाओ और इस सेक्शन को आगे बढ़ाओ। ठीक है सर। बोलो रे, कोई खतरा में काम करेगा का? नहीं। इसी बात, खदान से बाहर सब लोगों को निकाल दो। हाँ साहब, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझ गए खदान से बाहर जाना मंजूर है, लेकिन तुमने लालच के लिए अपने जान से जाना मंजूर नहीं। चलो रे। अरे अरे, तुम सबका माथा फिर गवाए का? अरे ये कौन तरीका है? आई विल सेट दिस बास्टर्ड्स राइट। हरिया इधर आ, अभी जाके बुला ला करम सिंह को मेरे ऑफिस में, इसी वक्त जा। इस सेक्शन का कोयला मैं इसी वक्त कटते देखना चाहता हूं, दूसरे सेक्शन से लेबर लाओ, डायनामाइट लगाओ और काम शुरू कराओ। ऑल राइट सर। विक्रम, 7 नंबर सेक्शन में कितने मलकट्टे होंगे? 85 होंगे, लेकिन सर उन सबको यहाँ लाओ, वो सब लोग यहाँ काम करेंगे। सर हाँ मखा, आप अपनी जिद में इतने सारे मजदूरों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं उन्हें आने का ऑर्डर नहीं दे सकता। विक्रम, दिस एरिया इज नॉट सेफ, इट्स अ हाइट ऑफ इनडिसिप्लिन, अब तो तुम्हारी नौकरी के बारे में भी सोचना पड़ेगा हमें। आपके सोचने से पहले हमने ये सोच लिया है मिस्टर भरत कुमार, अब भी वक्त से मैं किसी का नौकर नहीं हूं, समझे आप? This man is very dangerous man. Take
my word. Come on! जान जोखिम का काम करने से हम इनकार किया, वहां धोखा से 85 मलकट्टा का जान खतरा में डाल दिया। चलो अंदर, ऑर्डर है, कोई नहीं जा सकता। अरे भाई कहां ऑर्डर है, हम अपने 85 मजदूर भाई लोगों के मदद को जाऊंगा, चलो। नहीं जा सकता है। नहीं बेटा, हम अपनी आंखों से देखा है, वहां चट्टान बरसता है, वहां कोई नहीं जिंदा पहुंच सकता। हम फिर भी जाऊंगा। पागल हो गए हो कालका? अरे वहां चट्टान बरस रहे, उस खदान का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। हाँ बेटा, हाँ हाँ। अरे जाना है तो उन गरीबों के बाल बच्चों के लिए जाओ, उन्हें उनका वाजिब हक दिलाने के लिए जाओ, उनके लिए कुछ करो तुम। चलो सब लोग। तो हमारे मजदूर भाइयों की जान लेकर उनके असली रिकॉर्ड्स का क्रियाकर्म किया जा रहा है। जी नहीं नेताजी, नहीं, वो बात ऐसी कि वो जी क्या बात है? बीस, सिर्फ 20 मरने वालों का नाम है इस रजिस्टर में। हम मरने वाले 85 आदमियों के नाम अपनी जबान पर रखते हैं, कहो तो एक एक करके गिना दें। ये कागजी हेरा फेरी के साथ तुम सरकार को धोखा दे सकते हो, उग्र नारायण सिंह को नहीं। बात धोखे की नहीं है नेताजी, बात यह है कि इतने सारे मजदूरों की मौत डिक्लेयर करने से इंक्वायरी वगैरह को इंक्वायरी तो होगी सेठ साहब, आपकी ये खदान भी बंद हो जाएगी, और ऊपर से आप और आपके ये साले साहब दोनों जेल में भी बंद हो जाएंगे। सोच लीजिए नेताजी, बस अब आप ही का सहारा है, निकालिए कोई बचाव का रास्ता। रास्ता है, और बहुत ही सीधा रास्ता है जी। 20 मजदूरों का मुआवजा तो आप दे ही रहे हैं जी, बाकी बचते हैं 65 मजदूर, 10.25 लाख के करीब। अब इतनी बड़ी रकम तो आप देना नहीं चाहते, 5 लाख रुपए हमें दे दीजिए और अपने आप को इस संकट से बचा लीजिए। जी वो ये ठीक है। अब 85 आदमियों की जगह हमें भी सिर्फ 20 आदमियों का नाम याद है जी। तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? हमरा 85 मजदूर बेमौत मारा गया है साहब, वो आपका नया अफसर कोयला का लालच में उन सबको मौत का मुंह में झोंक दिया। जानते हो कंपनी की तुम्हारी यूनियन से बातचीत हो चुकी है। आप हमसे बात करो साहब, हम कोई यूनियन फोनियन को नहीं जानता है। तुम अगर अपनी यूनियन को नहीं जानते
तो हम भी तुम सबको नहीं पहचानते। सुन लिया, नहीं पहचानते। अरे जिसके खदान का एक पत्थर हमका पहचानता है, वही खदान का मालिक हमका नहीं पहचानता है। अरे नहीं पहचानते हो तो आज छीन लो हमको, कि हम सब अपना पेट काट काट कर तोरा तोरे खानदान का तोरे कंपनिया का पेट भरते हैं। जान पहचान के पास तो बहुत नहीं है का बकवास बहन। हमसे बात करने से पहले बात करने की तमीज सीखो। तमीज? अरे हम सब का इतना बर नंगा भूखा रख के आज तमीज का पाठ सिखाते हो हैं? अरे हम पूछता हूं, ये कौन तमीज का बात है आखिर? और कितना तमीज वाले हो तुम साहेब? ये तो हम सब का हाल से जाहिर है, देख लो। चिल्ला चिल्लाना बंद करो, मतलब की बात करो। क्या चाहते हो तुम सब? हम अपना 85 मजदूर भाइयों की मौत का हिसाब चाहता हूं साहेब, जिनका खदान में धोखा से आगे बढ़वा के बारूद लगवा दिया तुमरा अफसर। तुम्हारी एक एक बात गलत है। सिर्फ 20 लोग मरे हैं और वो भी तुम सबकी गलती से, लापरवाही से। देखो कितना झूठा बात करता है और हम सबों को दोषी ठहराता है। देखो इतना सब मलकट्टे का बात गलत है तो लाओ बुलाओ अपने जमराज जैसे ऑफिसर को और उसे पूछ कितना मलकट्टा बेमौत मार दिया, को सुहाग उजाड़ दिया। खामोश। 20 लोगों का मुआवजा भी कंपनी तुम्हारी यूनियन की मांग पर नहीं, अपनी मेहरबानी की वजह से दे रही है। चाहते हो कंपनी यह रियायत वापस ले ले? क्या तुम सब लोग ये चाहते हो कि कंपनी का जो लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है वो तुम्हारी पगार से, तुम्हारी मजदूरी से काट डाले? अकल से काम लो और वापस लौट जाओ, और कल जब खदान में काम करने के लिए उतरो तो ये सोच समझ कर उतरो कि अब कंपनी किसी की रत्ती भर की लापरवाही, बदतमीजी और काम चोरी बर्दाश्त नहीं करेगी। और जिस किसी ने गड़बड़ की वो हमारी खदान में से तो जाएगा ही, वो किसी और खदान में भी काम नहीं कर सकेगा। समझ क्या रखा है? अरे तुम सबके सब खत्म हो जाओगे लेकिन ये खदाने फिर भी चलती रहेंगी। फिर चलाते रहना अपनी खदाने, और सुन लो हमारा फैसला, कल से एक भी मलकट्टा तुम्हारे खदान में नहीं उतरेगा। फिर कुदाली में नोट लपेट लपेट कर खदान में उतारते जाना सेठ साहब, कट जाएगा कोयला। एक बात और सुन लो, हम में से एक भी मलकट्टा आज के बाद तुम्हारे दरवाजे पर मत्था टेके नहीं आएगा। तुम आओगे हमारे पास, बोलो कोई आएगा? चलो 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 चलो। नौकरी भी इसी वक्त छोड़नी थी और क्वार्टर भी। अरे गृहस्थी उजाड़ने का इतना ही शौक था तो फिर बसाई ही क्यों? नौकरी छोड़ी इसलिए कि मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां थीं। हाँ, मैं भी जिम्मेदारियों की ही बात कर रही हूँ। खैर, अब तो मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट सही हाथों में पहुंचानी है। रिपोर्ट पहुंचाने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? दादा, बात किए का है, बहुत खास बात। हम आता हूं अभी। क्या बात है भाई, बोल। भाई के नाते आज हम तो का एक बात अच्छे से समझाई देता हूं। दादा ये बखेड़ाबाजी में कानून तंत्र नहीं है, समझा? एक छोड़ के अलग हट जा, वही मत तोरा भलाई है। यही बात समझाए खातिर बुलाया हमका। अरे हाँ, अरे हम पूछता हूं कि तोरा आगे पीछे घूमता ना मलकट्टा, ये सारे कमीने लोग, इका वैल्यू इका कीमत है का साला? एक बोतल शराब का दिखाई दो, वही बकर सर अपना जान अपना ईमान हमारे कदमों में धर दे। तोरे नजीक सस्ता है मलकट्टा का जान और मलकट्टा का ईमान? ई मलकट्टा कमीना है? अरे भूल गया कि हम और तू ही बाप का औलाद है, वही मलकट्टा बाप का औलाद है जो हम लोगन का पेट भरे का खातिर यही कोयला का धूल भाग भाग के, यही कोयला का धूल अपना छाती मां भर भर के भरा जवानी मां कोयला थुकता थुकता मर गया। और हमारी माई जो भूखा पेट कोयला का टबुआ खींचता खींचता मर गई, उनका जान कितना सस्ता था,
बोल भाई, उका ईमान, उका ईमान कितना सस्ता था, बोल। हम, अरे हम पूछता हूं कि जरूरी है कि बाबू की तरह तू और हम ही कोला थूक थूक के मर जाए। हाँ बिल्कुल, अरे झूठा सान सौकट का खातिर उगर नारायण का जूता चाटे से अच्छा है कि यहाँ का कोयला थूक थूक के मर जाए। साला हमरा सगा भाई होके कंपनिया से गद्दारी करेगा, यूनियन से बगावत करेगा, अरे हमारी वफादारी पे नेताजी भरोसा करेगा का? इधर गया उनका विश्वास, उधर गई हमारी जिंदगी। बोल भाई के नाते आप तो हर फैसला का है? देख काम, हम तुरा भाई से पहले मलकट्टा का बेटा हूं और मरते दम तक मलकट्टा का ही साथ दूंगा। अरे हट, ठीक है तो फिर हम बेफजूली भाई बंदी के रिश्ते में काय मारा जाऊं? कलका, आज से ही भाई बंदी का रिश्ता खत्म, बिल्कुल खत्म। तो दुखाद मां नहीं चलेगी? नहीं। तू ये चाहता है कि सब लोग ये कहे कि हरिया की औरत भी हरिया की बात नहीं मानत का? हाँ ठीक है, हम तो जाते हैं, कजरी तू ही सुन ले, जौन तू आज हमारे संग खाद में नहीं उतरी तो ये समझ ले तुहार खातिर हरिया मर गया। ना ऐसे नहीं बोल। तो क्या मालूम कहूनू दिल से उखाद में उतरे का हम इतना साथी संगाती बेई मौत मारा गया, ये बात का दुख नहीं काम का? मुद्दा का कर सकते हैं हम, इतना ताकतवर लोग है वो, का नहीं है उनके पास मुकाबला कर सकते हैं हम? इतनी सी बात नहीं समझा काल का, भकाई थी सबका, आगे से खिलवाड़ कर बैठा है वो, अरे आगे से खिलवाड़ कर बैठा है वो। सिर्फ 50-60 मजदूर? जी हाँ। ठीक है, उन्हें गोरखपुरी लेबर के साथ काम पे लगा दो। जी हाँ। और सबको कह दो मेहनत के मुताबिक इनाम मिलेगा। ओके सर। भाई 70 बरस से ये खदानें चालू हैं तो किसके भरोसे पे है? कालका जैसे नमक हराम लोगों के भरोसे पे? अगर ये खदानें कभी बंद हुई हैं तो मालिक की मर्जी से, मजदूर मलकट्टों की मर्जी से नहीं। बहुत आएंगे, आ रहे हैं, कल से इन खदानों में 500 नए मलकट्टे अब और भर्ती किए जाएंगे, तो 500 हड़ताली मलकट्टों को छांट दिया जाएगा। ये कंपनी का हुकुम है, समझे? जाओ और इतना कोयला काटो जितना जितना उन नमक हरामों ने एक दिन में नहीं काटा होगा। जाओ। अरे काल का भैया, वो कंपनियां हमरे गांव से तो का दूसरे गांव से भी मजदूर भर्ती नहीं कर सकेगा, ये हम तुमका वचन देता हूं। अरे हमें ही विश्वास के साथ तुम्हारे पास आया था छिपा, हमारा जी बहुत खुश हो गया। ये ले, हमारा कारण गिरवी धर ले, कुछ सामान दे दे। कंपनी ने तुझे निकाल दिया तो इस कारट का क्या ताबीज बनाकर गले में टांगू? अरे गमरा, अभी भी खदान में उतर जाओ वरना कंपनी लेकर आ रही है 1,000 बार बाहर से। हाँ चल भाग, कारट रख लो। क्या है? सेठ ही रख ले। दुलारी? हाँ। तू पिछले बर्तन तो छुड़ा कर नहीं ले गई और नए बर्तन रखने को आ गई? ये तो साला हड़तालियों नजर आ रहा है, लागत है देखा थे कौन हरामजादे का ठीका है साला। चलो काम करो जल्दी। अबे ओए इधर आओ साला। हाँ सरकार। ये ठीका तो आ रहा है? जी सरकार।
पत्थर तोड़े का ठीका लिए हो या इन दगाबाज कुत्तों की हिम्मत बढ़ाई का? वो तो खुद ही है सरकार, हमें का मालूम? मालूमात के बगैर ठीका चल रहा है और वो भी हमरे एरिया में। अरे हम यहाँ का सरकारी ठेकेदार हूँ समझे, और ये पत्थर मिट्टी का नहीं दारू की भट्टी का। खैर फौरन इसी टाइम सबका छुट्टी कर दे वरना ही ठीका ठिकाने लगा दिया जाएगा। ए चलो जाओ यहाँ से, इधर नहीं काम करने का, निकलो 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 यहाँ से, चलो जाओ जल्दी जल्दी। ना हम ये पूछता हूँ, तुम लोग खाद में ना ही उतरा तो खाद बंद हो गया का? अरे थोड़ा बहुत ही सही, मलकट्टा रोज खाद में उतर रहा है ना, बोलो। अरे तो कितना दिन उतरेगा वो भी? और का, अरे जुलुम जास्ती होगा तू भी हमरे तरह खाद से बाहर निकल आएगा। तुम्हारी तरह? अरे तुम कितना दिन भूख से लड़ सकत हो बोलो? अरे कितना दिन ही बच्चा लोग भूख से तड़प तड़प कर जिंदा रह सकता था? अरे भूख तो हमेशा ही हमारी कमजोरी रही है, अगर आज यही भूख को अपना ताकत बना ले, अपना हथियार बना के भिड़ जाए तो कंपनियां जो हमरे भूख पे पलती है ना हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगी। इतनी बड़ी कंपनियां का मुकाबला हम कमजोर आदमी कैसे कर सकते हैं भला? मजदूर कमजोर है? आज का मजदूर कमजोर नहीं है, जो मजदूर यूनियन का चिंता किए बगैर डंडा लाठी का परवाह छोड़ के बाहर आ गया खाद से, जो मजदूर आज कंपनियां का डंडा बंदूक का डर छोड़ के कंपनियां सेठ से भिड़ गया, वो मजदूर कमजोर कैसे हो सकता है? वो मजदूर कमजोर नहीं है। कालका सही कहता है, मलकट्टा ने हिम्मत जैसा आज दिखाया ऐसा पहले कभी नहीं दिखाया, सही है ना? कालका ने जो लड़ाई छेड़ी है उमा हम सब साथ हैं। जब साथ हो तो इतना ध्यान से और सुन लो जो हम कहता, ताप को छेड़ो मत और छेड़ो तो फिर छोड़ो मत। तू बहुत पसीना निकाला रे, दो ले दो। जा पीठ घुमा, एक जा राम। अरे चरना साला, दारू के लिए पसीना बहाता है साला। अच्छा ले तू ले जा। एक और साला, एक दे इसको, ये ले। तीन शाबाश, खदान में जितना काम करोगे शराब उतनी मिलेगी, समझा? बोलो दो दी बोतल दे। क्यों बे, काम करने में तकलीफ होती क्या? आज चलना बहुत पसीना बहा रहा है। चार शाबाश, चार दे इसको, कल पसीना और डबल बहाना, आठ बोतल मिलेगी, समझा? हाँ। इधर कितना बे, क्यों बे? हाँ काम से चोरी करता है, ले इसको आदि। साला हरामखोर, कल से डबल काम करना समझा? ये ले माँ पैसे। ए रघु, ये पैसा कहाँ से लाया तू? बोल, अरे बोल ना। कोयला बेचा हम। कोयला चोरी करके बेचा है तू? बोल, कोयला चोरी करके बेचा है तू? बोल। बस बस, रह तू इका। दो दिन से भूखा है, चोरी नहीं करेगा तो और कहाँ करेगा फिर? तो सब बच्चों को बर्बाद करेगी तू? हाँ हाँ हम ही बर्बाद कर रहे थे, तू ना ही इतना सब बच्चा पैदा करके बर्बाद किया इन सबको। बर्बाद किया है जॉन, हम मजूर लोगों को बर्बाद किया है, हमारी बस्ती को बर्बाद किया। चलो आओ, चलो चलो, फोड़ डालो, मिटा डालो, एक एक फोड़ डालो, मिटा डालो, एक एक फोड़ डालो, फोड़ डालो। अरे अरे कल का पगला हुआ है कहां?
कामू कहाँ है रे? कहाँ है कामू? जल्दी बता, नहीं तो हम तो का फाड़ के रख दूंगा। बट्टे पे गया। ठीक पे गया। अरे सब तुम लड़के पकड़ा गया यार। अरे तो हो जाओ। निकालो बच्चों। अरे मत मसाला लगा लो। अरे मार यूनियन का कुत्ता मजूर लोग का जिंदगी से खिलवाड़ करता है, औरत का फुआ बनाता है। आगे मत बढ़ कालका। एक कामू, हम तुमका जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम नहीं और मजूर लोगन के जिंदगी से खिलवाड़ कर मार। भाई तू भाई कहलाने के काबिल नहीं है। तू तुझको आज यहाँ जिंदा भाई की वास्ते। भाई भाई की वास्ते छोड़ दे। भाई हमका छोड़ दे। भाई छोड़ दे हमका। भाई भाई के वास्ते। भाई हमको छोड़ दे। भाई भाई के वास्ते। चुप जी। अरे गौरी आ भीतर आ। कहाँ है? भौजी पिटुआ बहुत भूखा है, दो मुठ्ठा चावल दे दे। जौन जौन से मांगा वही कहे एक ताना नहीं। यहां भी तो वही हाल है। इतना सही दे दे भौजी। अरे दे देना। कभी इसको मना किए हम? ई ले देख ले। घर में एक दाना भी नहीं है खाने को। कुछ काम दे दे सेठ। हाँ सेठ, तू आज हमका काम ना दे तो हमरा बहुत मुश्किल हो जाए। आजा आजा गुरु आजा। अरे कह दिया ना बाबा की काम नहीं। चलो यहाँ से चलो चलो। आजा गुरु आजा। ये का है? ये हमारे पूजा का फरसा है। किरबी धर ले। ई काम कोनो कीमत पे छुड़ा के ले जाऊंगी। सच्ची पूजन का है तो हम क्या करें? अरे है तो साला लोहे का। तू ई का फेंक दिया। ई हमारे मर्द की निशानी है। हमरा बिटुआ भूखा बीमार, तभी तो गिरवी रखे का लाई का हम। इतना ही ख्याल है बिटुआ का तो हमारा काम क्यों नहीं करते? बोल का काम करेगा है? आ, हमरे पास संजा तक सबका बिना फटकी कर दे। का इतना सब काम?
और का? अरे भिड़ जा, इधर हमारा काम पूरा कर दे, उधर मजूरी ले ले। बोल का लेगी, रुपया या अनाज? जॉन तो हर मर्जी। कितनी सीधी है बेचारी, छोटा सा बच्चा छोड़कर चला गया बेचारा। बड़ी दया आती है उस पर, बड़ी दया आती है ईमान से। गौरी, ए गौरी। अरे शर्म संकोच मत करना हमसे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चढ़ला जवानी मोरा मटिया मिला तबा, जो बना के रस कैले घतिया हो न नदी, पिया का बुला दे, पिया का बुला दे जल्दी, दिया तो जला दे, नस नस में पसरल ऐ लहरिया हो नदी। इतनी रात तलक काहे को औरत को नीचे बैठा के रखा? हाँ साली, तू हमसे पूछताछ करने वाली? कौन होती हूँ? हाँ औरत, प्याता औरत, बच्चा हमें क्या कमी है, बच्चा हमें क्या कमी है? बेहया, बेसरा, रास्ते में गौरी, ए गौरी। ये हो गया तुम्हारा काम, अब हम जाइए। अरे अभी काम कहाँ हुआ, ये चावल बाकी है, ज्वार बाकी है। नहीं अब हम जाते हैं। अरे ठहर, थोड़ा चावल लेके जा। ले 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 ले। और ये ले अठन्नी, बाकी काम पूरा होने के। छोड़ हमका, मत घबरू है, घबरू। आजा घबरू, आजा आजा आजा। अब कहाँ जाएगी? आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। Ha!
ये हैगी बहिन समान औरत की इज्जत पे हाथ लगाता है, है? काला यूनियन का कुत्ता हराम है, मर आज तू कुत्ता का मौत देगा साला, हम मार डालो ये हराम जानो, उछल डालो सब को मिल गई। जी, ये भूख मारे मजदूर इतने दिनों से स्ट्राइक पर हैं, इट्स स्ट्रेंज। समझ नहीं आता, मैंने सोचा था इतने दिनों की भूख इन्हें खदान में वापस ले आएगी, मगर एक आइडिया है। मैं इन जाहिल मजदूरों की रग रग से वाकिफ हूं सर, आप ऐसा कीजिए, काली माई का त्योहार आने वाला है, आप एक जोरदार पूजा करवाइए, सबको आना पड़ेगा, धर्म का मामला है ना, फिर थोड़ा थोड़ा रुपया दारू मांस बांटते जाइए, खिलाते जाइए काली मैया की कसम, उतर जाएंगे खदान में। नॉट ए बैड आइडिया जीजा जी। हाँ सेठ साहब, और फिर ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, सारी बस्ती में आपकी जय जयकार करा दूंगा। जय शक्ति जय मां काली की। जय जयकार माता तेरी, जय जयकार, तो है तुझे संसार, आए तुम्हारे द्वार।
कालों की काली माई हमारी खप्पर बाली माई, हम कालों की काली माई हमारी खप्पर बाली माई, वहां खून से सनी भुजाली यहां हमारे हाथ कुदाली, वहां खून से सनी भुजाली यहां हमारे हाथ कुदाली, अरे खूंद के दर्द उह को हमारा पेट रखा जो खाली, हमारा पेट रखा जो खाली, तुम हो काली हम है काली गौरी गोकुल गंगा काली, तुम हो काली हम है काली गौरी गोकुल गंगा काली, हम माई के हाथ हजारों हम माई के साथ हजारों, हम माई के हाथ हजारों हम माई के साथ हजारों, हमरी चलती रहे लड़ाई आग न बुझने पाए भाई, हमरी चलती रहे लड़ाई आग न बुझने पाए भाई, हमरी ऊर्जा हमरी लड़ाई रे, कालका तो तू है कालका, नेता बनने का बहुत शौक है तुझे, क्यों कालका? ना हम गरीब मजदूरों का हड्डियां चूसने वाला कुत्ता हूं, ना कंपनियां का जूता चाटने वाला दलाल, नेता होता बनना हमरे काम का नहीं। तो फिर इन गरीब मजदूरों को क्यों भड़का दिया तूने? तू तो आग लगा के अलग हट जाएगा और भूख की आग में जल के मर जाएंगे ये कम वक्त। इतनी दया है ना तुम्हारे दिल में इन सब के लिए, तभी कोयला का चट्टान के नीचे पिस पिस के मर जाता है मजदूर और उनकी लाश का सौदा करते हो तुम। ये देखो कामों को, अच्छा तमंचा पकड़ा दिया है इसके हाथ में। अरे ये पे ज्यादा घमंड ना कर, ये तमंचा सिर्फ तुम्हारे हाथ में है मूरख, गोलियां नेताजी की मुट्ठी में। शायद तू नेताजी से वाकिफ नहीं है कालका, बात मुंह खुल गया है तेरा। अगर उग्र नारायण सिंह चाहें तो हर तरह से तेरा मुंह बंद कर सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। बोल, मुंह बंद करने की कितनी कीमत चाहिए तुझे? कीमत? हाँ कीमत बोल। चुकाओगे कीमत तो चुकाओ नेताजी, उन सब जख्मों की जो जिंदगी भर तुम और तुम्हारे यूनियन का गुंडा लोगों ने हमारे बदन पर पहुंचाया है, छापा मारा है छापा। एक एक घाव सुलगता है, एक एक जख्म जलता है नेताजी, और वो देखो 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 उन सब गरीब मजदूरों की शक्ल को देखो, गौर से देखो सब, सबकी पीठ पे भी ऐसा ही निशान मौजूद है, एक एक बदन पर ऐसा निशान मौजूद है। उन सब के बदन के एक एक जख्म का हिसाब चुका दोगे? जिस दिन चुका दोगे उस दिन काल का बिक जाएगा। अरे जल्दी जल्दी काम करो, सुस्ताना छोड़ो, चलो काम करो। तुझको क्या हो गया है? क्यों रे हरिया, हम तो टोकाई जुम्मादारी सौंपा था कि फेस आज पूरा कर जाना चाहिए, आधा पाली खत्म होने को आया, साला छोट अब तक नहीं भरा गया, आखिर क्या मतलब है इस हराम खोरी का? चार चार दिन से डबल पाली में काम कर रहा है ये लोग, जान बाकी बचा हो शरीर बचता हूं काम कराया जाए ना सरकार। अरे काम चोर उनका तरफदारी करता है और हमसे मुंह लाता है, बताओ बता हुँ? बता क्या बता थे बिल्ला, जरूरत क्या खड़बाजी? हाँ जरा सांस ले के फुर्सत लिए तो मार मार के बेहाल कर दिया। अरे सबका सांस फूलत है, हवा का ठिकाना नहीं, तीन तीन कोस तले की अंधेरे में भोजा लाद के दौड़त है मलकट्टा, कहे काहे वो हाल एज काले नहीं हाथ अलग नहीं बढ़ा सकता। ए हरिया समझाए दे यह का, अभी तुम्हारा माइनिंग सरदारी का ऑर्डर पक्का नहीं हुआ है,
यदि जॉन हम एक रिपोर्ट ठोका तो तुम्हारा सब खेल खत्म हो जाएगा। आराम खोर काम कर। अच्छा आराम खोर काम कर। मार डालना, अब तो जान से ही मार डालू हम तुम्हारा जान ही रहेगा। छोड़ दे इसको राम जादे। एक एक छाल खींच लूंगा हराम खोरो। बच के कहां जाओगे? हमारे साहब जुलूम न करो, खुदा के वास्ते जुलूम न करो। नहीं बुड्ढे हिमायत करता है। उठ उठ साला उठ। ये तेरा बाप लगता है क्या? चल भाग साला। नहीं लानत है जुलूम झेलना, लानत है। नहीं अब तुझको गुलाम नहीं रखूंगा लाल लुनिया, तुझको आजाद कर दूंगा। ले आजाद कर दिया। ए बुड्ढा उठ। चिड़िया उड़ा दिया। हाँ खुदा का परवाज था, आजाद कर दिया। आजाद कर दिया। अब गैस कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? अब तू सुनेगा गैस। अरे छोड़ दे। चिड़िया के बदल तू सुनेगा। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तू, कोई हमको मजबूर नहीं कर सकत ऐसी जिंदगी पर जो इस नरक में कीड़ा जैसी जिंदगी जीना चाहे शौक से जिए। अल्लाह आर्या Excuses. मिस्टर शाह हम तो मारेंगे, हम तो आपको 10 लाख एडवांस भी दे चुके, अगर ये हड़ताल चली तो हमारा क्या होगा? श्री राम दयाल जी आपको कोयले से मतलब है ना? पहुंच जाएगा। नहीं, आप ये कंपनियां हमारा खून पसीना कमाए, ये कोयला नहीं उठा सकता है। हमरे जीते जी हमरे 85 मलकट्टा भाई लोगन के खून से रंगा कोयला बेच बेच के ऊ कमाता रहे लखपति सौदागर, और हम मर मर के झेलता रहूं भूख। ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, हर किस नहीं हो सकता। करना है नहीं तो मरना है, चले गोली बरसे लाठी, मगर आज ही भूखा कोयला के पहाड़ को घेर के रहेगा, कोयला से कोयला टकरा के रहेगा। उठो। Oh, my God.
अरे मगर उनका हिसाब ना चाहिए। औरत आया है सेठ, जो मर्जी में आए कर ले, मगर इस सबका राशन दे दे, थोड़ा थोड़ा दे दे सेठ। देखा सालों, ये होता है नतीजा भागने का यहां से। चाहते हो तो सीधी तरह वापस लौट जाओ, ना ही एक एक का सर फोड़ दूंगा। हम कहता हूं रुक जाओ। अरे आज कोई ताकत हमका ना ही रोक सकत है। अच्छा, बरसाओ लाठी। हाँ हाँ, बरसाओ लाठी, बरसाओ लाठी। आज ही लाठी उठी के बल पर ना हमका रोक सकत हो, ना हमारी आवाज को। हम फिर कहता हूं रुक जाओ। मारो पसीना का कमाई है, कोई लुटेरा नहीं लूट सकता है। देखो, यहां से एक भी पत्थर नहीं उठेगा,
ही कोयला पे मजदूरों का कब्जा होकर रहेगा। घेर लो। कालका, बहुत बकवास हो गया, भरो कोयला। हमरा सामने से हट जा काम। अगर आज हमरे काम में रुकावट डाला ना, तो आज तो का माफ नहीं करूंगा। माई कसम, आज तो का माफ नहीं करूंगा, यही कोयला मैं झोंक दूंगा तुमका। हट। ठीक है कालका, ठीक है। नाथ जी, नए मजदूरों को उतारो, कोयला यहां से उठवाओ। जी अच्छा। हमारे 85 मजदूर भाइयों का खून चूसा है ई कोयला। जौन खून के एक एक बूंद का हिसाब चुकाए बिना तुम ई कोयला को हाथ लगाया तो काली माई का कसम, काल का ई कोयला का पहाड़ फूंक के रख देगा। साला 2% का मलकट्टा, तेरी इतनी हिम्मत के तू उग्र नारायण सिंह के सामने? हम जीते जी कोयला नहीं उठने दूंगा। कोयला नहीं उठने देगा। हम इसी कोयले में तुझे दफन कर देंगे। दफन? हम कोला नहीं उठने दूंगा। तो मैं तुझे इस दुनिया से उठवा दूंगा। समझा? एक गोली दागी तो 100 तीर दाग दूंगा। तुहार सारा जान सारा ताकत ही बंदूक में है ना? कालका का लहू है ही पे। तो जैसा कुत्ता का लहू ई पे नहीं लगने दूंगा। ये देख, ये का है देखता है? यही कोयला मार मार के आज कोयला में मिला दूंगा तुझे। काल का आज तुहार काल बन जाएगा रे काल। ले।
जो मरना जानता है वो मार भी सकता है, लेकिन तुम्हार खून से हाथ रंगना हमारा काम नहीं है। हम अपना सिर्फ हक का बात करता हूं, अपना सिर्फ हक का बात करता हूं, और फिर सही कहता हूं, ये कोयला ना ही उठने दूंगा। हत्यारे, तो का हमार मुन्ना याद है? हमार छोटा भाई ननको, बोल, इदेख ही भरसाव, इतने से तुम्हार खून का प्यासा है। कालका, तू मैंने मारा था, मैंने कालका, एक गोला भी तेरा खून, काली माँ कसम, आज का बाद एक कोयला कोई नहीं लूट सकत, कौनू लूटा नहीं कोयला नहीं लूट सकत रे, नहीं लूट सकत। हमारी चलती रहे लड़ाई, आग न बुझने पाए। हमारी चलती रहे लड़ाई, आप न बुझने पाए भाई।